नमक से जुड़े 15 वास्तु टिप्स चमका सकते हैं आपकी किस्मत। एक बार आजमा कर देखो। नंबर एक, घर में सेंधा नमक के पानी से नियमित पोछा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। नंबर दो, अगर आपको तनाव की समस्या रहती है तो आपको एक रुमाल में सेंधा नमक बांधकर अपने पास ही रखना चाहिए। नंबर तीन, अपने बाथरूम के अंदर भी आपको एक कटोरी में सेंधा नमक रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। नंबर चार, सेंधा नमक के पानी से स्नान करने पर जातक के साथ शुभ चीजें होने लगती हैं। नंबर पाँच, घर के हर कोने में आपको एक कटोरी नमक भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन में कटोरी का नमक बदल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। नंबर छः, घर के मेन गेट पर भी आपको एक कपड़े की पोटली में नमक भरकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर नजर दोष से बच जाता है। नंबर सात, धन की कमी है तो आपको अपने पर्स में नमक को कागज में बांधकर उसकी पुड़िया अपने पर्स में हमेशा रखें। इससे आपके पर्स में हमेशा धन बना रहेगा। नंबर आठ, किसी की नजर उतारने के लिए भी आपको मुट्ठी भर नमक को 7 बार सिर से सीधे और उल्टे क्रम में घुमाकर बहते पानी में बहा देना चाहिए। नंबर नौ, ग्रह कलह को दूर करने के लिए आपको अपने बेडरूम में एक छोटा सा सेंधा नमक का टुकड़ा रखना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में जो तनाव है वह दूर हो जाता है। नंबर 10, घर में धन की कमी है तो आपको अपनी तिजोरी में एक कटोरी सेंधा नमक रखना चाहिए। यह काम आपको शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है और धन की देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। नंबर 11, कभी भी आपको सीधे हाथ से नमक किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको उस व्यक्ति से भविष्य में कभी झगड़ा हो सकता है। नंबर 12, अगर अचानक ही नमक जमीन पर गिरकर फैल जाए तो यह दुर्भाग्य का संकेत होता है। नंबर 13, घर की सुख शांति को बरकरार रखने के लिए नमक को हमेशा कांच की शीशी में रखें। कभी भी नमक को स्टील या फिर लोहे के डिब्बे में ना रखें। नंबर 14, अगर आपके घर में कोई लंबे वक्त से बीमार है तो आप उसके तकिए के नीचे सेंधे नमक का टुकड़ा रख दें। ऐसा करने से उसे बीमारी में राहत मिलेगी। नंबर 15, कभी भी पूजा घर में आपको नमक नहीं रखना चाहिए। इसे वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।